In last session, we have completed our 8th standard geography NCERT. Okay, now we will move ahead. We will today start 9th standard geography NCERT. It is very interesting book. So let us see it. This is the book. Title of the book is Social Science Contemporary India Part 1. It is geography textbook for standard 9. इस बुक में टोटल 6 चैप्टर्स हैं. फर्स्ट इज अबाउट इंडिया साइज एंड लोकेशन. इंडिया का वर्ल्ड के मैप पर लोकेशन कहाँ पर है और इंडिया का साइज. दूसरा चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. थर्ड चैप्टर इज अबाउट ड्रेनेज. फोर्थ चैप्टर, ड्रेनेज मतलब रिवर सिस्टम वगैरह. और फोर्थ चैप्टर इज अबाउट क्लाइमेट. फिफ्थ इज अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. एंड सिक्स्थ इज अबाउट पॉपुलेशन. ओके, तो ये चैप्टर्स हमको अच्छे से देखना है. फर्स्ट चैप्टर में इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में डिस्कस किया गया है. ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे इंडिया जो है इट इज लोकेटेड इन सदर्न सॉरी नदर्न हेमिस्फीयर. इंडिया इज लोकेटेड इन नदर्न हेमिस्फीयर. दूसरी बात, द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन. इंडिया का जो मेन लैंड है वो 8 डिग्री 4 मिनट. इस पैसा पढ़ते हैं 8 डिग्री 4 मिनट. यन मतलब नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है. और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ये हमारा है लैटिट्यूड. लैटिट्यूड मतलब जो पैरेलल्स रहते हैं, ऐसे जो लाइंस रहते हैं वर्ल्ड में, सर्कल्स रहते हैं, उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं. तो इंडिया का अगर मैप देखोगे तो ये इंडिया है. तो यहाँ पर नीचे वो बता रही कि 8 डिग्री है. ये नीचे जो एंड पॉइंट है वहां पे 8 डिग्री है. 8 डिग्री अज्यूम करो इसको आसानी के लिए 60 डिग्री. और यहाँ पर जो है 37 डिग्री है. ये लैटिट्यूड है और ये नॉर्थ में है, इसलिए यन. इसी तरीके से अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सटेंशन जिसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, तो लॉन्गिट्यूड भी हमारा 67 डिग्री इसको ईस्ट लेते हैं, क्योंकि ईस्टर्न ईस्ट साइड में आते हैं हम, ग्रीनविच मीन लाइन के ईस्ट साइड में. 67 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है. और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड 7 डिग्री टू 37, ऐसा याद रखो. 7 कॉमन है और 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो ऐसे याद रहेगा. 7 डिग्री टू 37 डिग्री, 67 टू 97. इसके बाद देखो इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाता है 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स, क्योंकि इंडिया यहाँ बीचों बीच से जाएगा. इंडिया 7 टू 37 है, तो 23 इसके गुजरात के आसपास आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दूसरी बात, इंडिया का जो सदर मोस्ट पॉइंट है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं. ये अराउंड 6 डिग्री 45 मिनट के कुछ आसपास है, लेकिन ये अभी सबमर्ज है, पानी के अंदर चला गया ड्यूरिंग 2004 सुनामी. ये याद रखना, इंदिरा पॉइंट सबमर्ज है. इसके बाद साइज अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया का जो साइज है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. 3.28 इसको हम ऐसा कह सकते 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर. 32 लाख. ओके, इसके बाद इंडिया का जो लैंड है अगर इसको कंपेयर किया जाए वर्ल्ड के लैंड से, तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूट 2.4%. अगर वर्ल्ड का अगर लैंड 100 स्क्वायर किलोमीटर है, तो इंडिया कितना है? 2.4 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे याद रखो. कोई बताएगा इंडिया का वर्ल्ड के पॉपुलेशन में शेयर कितना है? शेयर ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, एनीबडी कैन गेस? ठीक है, मैं बता देता हूँ. इंडिया का वर्ल्ड पॉपुलेशन में शेयर है 17.6%. इतना याद रखना, हमारे पास लैंड है जस्ट 2.4% और पॉपुलेशन है 17.6%. इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर.
लैंड बॉर्डर जो है हमारा 15,200 किलोमीटर है, और जो मरीन बॉर्डर है तो हमारा 7,500 किलोमीटर है। लैंड बॉर्डर मतलब ये ऊपर से जो ऊपर का जो पार्ट है, ये सारा पार्ट हमारा लैंड बॉर्डर में आएगा, ये ऊपर वाला पार्ट लैंड बॉर्डर। और मरीन जो है, ओशन बॉर्डर जो है, ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको ओशन बॉर्डर कहते हैं, ये याद रखना। स्क्रीन दिख रही है अब आपको? कोई बता, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस ठीक है। अब देखो, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का डिफरेंस है, ये बात याद रखो। 15 डिग्री, 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, और इंडिया का एक्सटेंड है ईस्ट टू वेस्ट 30 डिग्री, तो इसलिए 2 आवर्स का डिफरेंस है। Hence, time along standard meridian of India, 82 degree 30 minute, passing through Mirzapur is taken as the standard time for the whole country. जो उसके दोनों के बीच में 82 डिग्री 30 मिनट वाली लाइन जाती है मिर्जापुर नियर अलाहाबाद, तो इसको हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम IST कहते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं टाइम। यहाँ पर दिया गया है, सिंस द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनल इन 1869, India's distance from the Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। स्वेज कैनल 1869 में ओपन हुआ था, ये ईयर में और एक बड़ी इंसिडेंट हुई थी, इवेंट हुई थी, कोई बताएगा 1869 में क्या हुआ था? एक क्लू देता हूं, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है 1869। महात्मा गांधी जी का जो बर्थ ईयर देखोगे ना, वो भी हाँ 1869 में है, बराबर। ठीक है, अब इसके बाद ये एरिया, ये वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट कंट्रीज है उनका एरिया कितना है अप्रोक्सीमेट वर्ल्ड के कंपेयर में? जैसा इंडिया का 33.28 मिलियन है, इसी तरीके से रशिया का देखो 17 मिलियन है, उसका कनाडा का आता है 9.98, USA 9.62, और उसका चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ओके तो ये कंट्री, और इंडिया 7th नंबर पे आता है लैंड में, और पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया इज ऑन सेकंड। इंडिया का एक्सटेंड है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री, और 68 67 टू 97। ओके, और ये चीज याद रखना, इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन है 2,933 किलोमीटर, और जो नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ जिसको कहते हैं वो 3,200 है, तो कौन सा ज्यादा है बताओ मुझको, ईस्ट वेस्ट बड़ा है कि नॉर्थ साउथ? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ बड़ा है, ये याद रखना। मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी ये डिस्टेंस हमारा ज्यादा है, और जो ये वाली जो डॉट डॉट वाली लाइन है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये हमारे IST है। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 82 डिग्री 30 मिनट से पास होती है मिर्जापुर से यूपी में। यहाँ पर इंडिया की कनेक्टिविटी वगैरह दी गई है वर्ल्ड से, इंटरनेशनल हाईवे वगैरह। इंडिया का 95% इंटरनेशनल ट्रेड ओशन रूट से ही होता है। यहाँ पर देखो, इंडिया के जो नेबर्स हैं, इसका न्यूमोनिक शायद हमने डिस्कस किया था, इंडिया के जो न्यूमोनिक नेबर्स हैं उनका पूछता है, मतलब इंडिया के साथ जो बॉर्डर कंट्री शेयर करते हैं उनको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कितना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो इंडिया सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है वो है बांग्लादेश से, ठीक है। इसका न्यूमोनिक है, बचपन में बी फॉर बांग्लादेश, उसके बाद चाइना का नंबर आता है, फिर पाकिस्तान का, फिर नेपाल, उसके बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद फिर भूटान आएगा, और भूटान के बाद सबसे स्मॉलेस्ट हमारी लैंड बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 कंट्री से इंडिया बॉर्डर करता है, ये याद रखना। लैंड बॉर्डर जो है सबसे हाईएस्ट है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार, फिर भूटान, और फिर सबसे लास्ट में अफगानिस्तान। ये देखो, इसमें भी समझ में आएगा, बांग्लादेश के साथ बहुत छोटा सा बॉर्डर है,
पाकिस्तान है, जम्मू कश्मीर, नेपाल, भूटान, अरुणाचल, चाइना, तिब्बत, म्यांमार। इसके बाद देखो कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, बताओ आंसर मुझको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं जाता है? उड़ीसा। ओडिशा, बराबर बराबर। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड बोला है, ईस्ट में कहाँ तक है? ईस्ट 97 डिग्री। 97 डिग्री। हाँ ये डायग्राम देखो, मतलब 97 यहाँ से जाता है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर ऊपर से जा रहा है, ये वाली डॉट डॉट वाली जो लाइन है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा से नहीं जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम है कॉमन फ्रंटियर्स विथ, फ्रंटियर मतलब बॉर्डर, इनकी बॉर्डर किसके साथ है, कॉमन फ्रंटियर? इसका बोलो आंसर। नेपाल। नेपाल, बराबर, नेपाल को सब टच करते हैं। इफ यू इंटेंड टू विजिट कवरत्ती ड्यूरिंग योर समर वैकेशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू? कवरत्ती पूछ रहा है, कौन से यूनियन टेरिटरी में कवरत्ती? लक्षद्वीप। हाँ कौन सा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, इट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, कवरत्ती इज कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। अब इसका बताओ। ताजिकिस्तान। बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के ऊपर है। इस चैप्टर में स्टार्ट में ये लोगों ने बताया कि जो अभी के कॉन्टिनेंट है इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये जो थ्योरी है सबसे बेसिक थ्योरी, इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और ये दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर का कहना ये है कि पहले जितने भी वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट है ना, ये सब एक ही लैंड था, एक ही कॉन्टिनेंट था पहले, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सब मिला के, और इसको हम क्या कहते थे, पैंजिया कहते थे, और पैंजिया के आसपास का जो ओशन है इसको पैंथलजा कहते थे। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पैंजिया दो हिस्सों में बट गया, ऊपर वाला हिस्सा लॉरेशिया, बीच वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड, और दोनों के बीच में टेतस्सी था, टेतस्सी, उसके बाद लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, नाम याद रखना। और इंडिया जो पार्ट था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। फिर ओवर द पीरियड ये गोंडवाना लैंड भी स्प्लिट हुआ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया भी इससे स्प्लिट होके यूरोप की तरफ, लॉरेशिया की तरफ आया। ओके, और फिर अभी प्रेजेंट डे में अपना ये स्टेटस है, अभी ऐसे कॉन्टिनेंट है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब स्कॉलर्स में डिस्प्यूट है कि इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट मूव हो रहे हैं तो ऐसा कौन सा फोर्स है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स क्या है? तो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था वो टाइम पे कि मतलब एक सन मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो है, और दूसरा जो अर्थ में जो पोल स्लिंग फोर्स, अर्थ के रोटेशन जो होता है ना, तो उसकी वजह से भी वो भी एक फोर्स है। लेकिन बाद में दूसरे थेरीज आए, जैसा कि एक थेरी आई प्लेट टेक्टोनिक थेरी, और ये थेरी ने कहा कि अर्थ ये है, अर्थ क्रस्ट डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेट, मेजर प्लेट, माइनर प्लेट, बहुत सारे प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, और ये जो प्लेट है ये प्लेट मूव होते हैं क्योंकि इनके नीचे क्या है, कन्वेक्शन सेल्स हैं। ये अगर प्लेट है समझो आपने क्रस्ट पे, ये अगर दो प्लेट है तो नीचे हमारा मेंटल है, मेंटल में क्या होता है, मैग्मा आपका मूव होता है, और अगर ये ऐसे डायरेक्शन में मूव हो रहा है और ये अगर प्लेट बाउंड्री है तो ये क्या होंगे, ये फोर्स करेंगे दोनों को, सेपरेट करेंगे ये प्लेट्स को, तो ये फोर्स की वजह से प्लेट्स का मूवमेंट होता है, तो इसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ओके, इधर भी वही डायग्राम है, पेंजिया, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, और उसके बाद
फिर ऐसा बनता है, शेप ऐसा चेंज होते जाता है, और द ग्रेट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये थ्योरी दी थी आपके अल्फ्रेड वेगनर। याद रखना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर। इसके बाद देखो, जो अभी हम देख रहे थे प्लेट्स जो मूव होते हैं, ये जो हमने देखा है डायवर्जेंट बाउंड्री, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं इसको डायवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं, क्योंकि जो नीचे वाला जो मैग्मा है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ऐसे ही और दो टाइप है, जब मेंटल नीचे का मैग्मा जब एक एक डायरेक्शन फ्लो होता है तब ये दोनों प्लेट का कोलिजन होता है, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। और ऐसा हमको पता चलता है जैसा मतलब हिमालय है, हिमालय दो प्लेट के कोलिजन से बना है, कोई बताएगा कौन से दो प्लेट के कन्वर्जन से हिमालय बना है? गेस करो। इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरोपियन प्लेट। हाँ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इधर यूरोपियन प्लेट। ओके, और मैग्मा ऐसा फ्लो हो रहा है तो इससे क्या बने? हिमालय माउंटेन। तो इससे क्या होता है, फिर जब ये दोनों टकराते हैं तो बीच में जो टेथस सी था ना, पैंजिया और लॉरेशिया के बीच में, तो उसमें का जो डिपॉजिट था, टेथस सी में का जो डिपॉजिट एल्यूवियम था, वो बीच में मतलब प्रेस हो गया और वो ऐसे इलिवेट हो गया ऊपर, और ये हिमालय बन गया अपना। और इसी तरीके से कभी कभी क्या होते हैं, जो प्लेट्स है ना एक दूसरे को क्रॉस क्रॉस इसको क्या कहेंगे, पैरेलल में मूव होते हैं, पैरेलल, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये प्लेट ये साइड जाती है और ये प्लेट इधर वाली साइड जाती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये वर्ल्ड के मेजर प्लेट्स, अराउंड लगभग 14 मेजर प्लेट है वर्ल्ड में। प्लेट की देखो ये वाली डायग्राम अच्छी, ये अफ्रीकन प्लेट बहुत बड़ी है, यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये वाली ये भी बहुत बड़ी प्लेट है, और यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेट कोलाइड हो गए और दोनों प्लेट के कोलिजन से हिमालय बन। ये जो डायग्राम है जहां पे आप लोग को ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ट्रायंगल्स वाला बताता है कन्वर्जेंट बाउंड्री, ट्रायंगल्स कन्वर्जेंट बाउंड्री है। और ऐसे अगर दो लकीरें पैरेलल वाली लाइन है तो डायवर्जेंट, ये जो लाइन है पूरी ये डायवर्जेंट बाउंड्री है, तो मतलब प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं ना तो बीच में से मैग्मा निकलता है और उससे क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। तो पूरे अटलांटिक ओशन के बीच में से इरप्शंस होते हैं, इसको हम कहते हैं मिड ओशनिक रिज कहते हैं। नाम याद रखना, मिड ओशनिक रिज अटलांटिक ओशन के बीच में है। इसी तरीके से दो पैरेलल रेलवे ट्रैक के जैसे दिख रहे हैं ना इसको, ये डायवर्जेंट बाउंड्रीज है, और जो ट्रायंगल्स वाले कन्वर्जेंट बाउंड्री है। और जो सिर्फ ऐसा प्लेन एक लाइन है तो इसकी ये क्या है, ये जो प्लेन लाइन है ये क्या है, ये पैरेलल मूवमेंट्स है। इसको हम यहाँ पर सेंट एंड्रयूज फॉल्ट है। ओके, ये डायग्राम को अच्छे से देखना, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं जब पैरेलल में मूव होते हैं प्लेट एक दूसरे को। इसके बाद यहाँ पर इंडिया के फिजियोग्राफी के बारे में डिस्कशन है। इंडिया को जब आप देखते हैं तो इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स कोई 5 बोलता है, कोई 6 बोलता है, कोई 3 ही बोलता है, तो डिफर करता है। तो नंबर से याद रखना नहीं है, बस मतलब कौन से उतना नाम ध्यान में रखो। हिमालय माउंटेन्स है, फिर उसके बाद नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं, नदन प्लेन्स आएंगे, नदन प्लेन्स प्लेन्स के बाद पेनिनसुलर प्लेटू जो हमारे डेक्कन प्लेटू वगैरह वो सब इसका पार्ट है, इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स है और आइलैंड्स है। ये हमारे फिजियोग्राफिक डिविजन है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हिमालयन माउंटेन्स है। नॉर्थ में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हिमालयन माउंटेन आता है, तभी जो हिमालयन माउंटेन रेंज है दे फॉर्म एन आर्क, ये आर्क शेप में ऐसे आर्क है, दिख रहे ना ऐसा आर्क, विच कवर अ डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। द विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल। अब ये जो हिमालयस है ये भी हमारे 3 पार्ट में डिवाइड है हिमालयन रेंजेस। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेटर और इनर हिमालय और हिमाद्री। ये डायग्राम देखो, ये जो हिमालयस है हम कट कर दिए उसको तो ऐसा दिखेंगे, पहले ग्रेट हिमालय आता है साउथ नॉर्थ में, फिर उसका लेसर हिमालय, फिर शिवालिक, हाइट भी ऐसा कम हो जाती है। ग्रेटर हिमालय को ही
हिमाद्री कहते हैं या इनर हिमालय कहते हैं, लेसर हिमालय को हिमाचल भी कहते हैं, और जो शिवालिक है इसको शिवालिक हिल्स और हिमा और आउटर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, मैप पे देखे तो हमको ऐसे रेंजेस मिलेंगे, जैसे ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय और शिवालिक। और कश्मीर में याद रखना हिमालय के आगे भी माउंटेन रेंजेस हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंजेस। ये जो तीन रेंजेस हैं खासतौर पे, तो इसके जो नाम है काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, ये नाम याद रखना काराकोरम, लद्दाख। ओके, ये चीज आप समझ लेना। हिमालय के आगे भी माउंटेन रेंजेस है नॉर्थ में, लेकिन उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंजेस। नाम याद रखो और उसका सीक्वेंस भी याद रखो। ट्रांस ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंजेस कहते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये याद रखना। इसके बाद देखो डायग्राम तो हमने देख लिए थे, हाँ इनर आउटर और ये, और यहाँ से बहुत सारे रिवर्स भी जाते हैं हमारे हिमालय से, जैसा कि इंडस रिवर है, इंडस अभी देखा हमने, लद्दाख और जस्कर के बीच में जाते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। ओके, इंडस रिवर, जब हम रिवर का अगला चैप्टर है तब समझ में आएगा हमको ये दोनों के बीच में से जाएंगी। उसी तरीके से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये बहुत बड़ी रिवर है ब्रह्मपुत्र, स्तांगपुर रिवर, और फिर ऐसा इधर इंटर करेंगे इंडिया में, स्तांगपुर रिवर है, और उसके बाद देखो सतलज भी है यहाँ पर। तो ये जो रिवर्स है ना हिमालय को कट करके जाते हैं, मतलब ये हिमालय से पहले भी थे यहाँ पर, और ये हिमालय को कट करके अपना फ्लो चेंज नहीं कर रहे, माउंटेन को कट करके जा रहे हैं, इसलिए ये रिवर्स को हम क्या कहते हैं, एंटीसेडेंट रिवर। ओके, एंटीसेडेंट रिवर, ऐसे रिवर जो मतलब अपना डायरेक्शन ऑफ फ्लो नहीं बदलते और माउंटेन को कट करते हुए जाते हैं, तो उसको हम एंटीसेडेंट रिवर करेंगे। तो इसमें जैसा इंडस है, सतलज है, घाघरा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ये सारे रिवर्स है एंटीसेडेंट। इसका अपोजिट मिलता है देखने पेनिनसुलर प्लेटू पे, इसमें जो रिवर्स है ना कृष्णा रिवर है, गोदावरी है, महानदी है, कावेरी है, तो ये जो रिवर्स है ना ये फ्लो होते हैं एज पर द स्लोप, जैसा स्लोप है स्लोप के हिसाब से अपना फ्लो करेंगे, तो ये रिवर्स को कॉन्सिक्वेंट रिवर्स कहते हैं। कॉन्सिक्वेंट रिवर फ्लोज एज पर द स्लोप ऑफ द टोपोग्राफी। इसके बाद हिमालय की पीक्स के बारे में दिया गया है यहाँ पे, जैसा द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयस आर सिमेट्रिकल इन नेचर, द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय कंपोजिट ऑफ ग्रेनाइट। जो हिमालय का इनर पार्ट है वो ग्रेनाइट से बना है, सब ग्रेनाइट जो इग्नियस रॉक है ना उससे बना है, बोल कोर ऑफ हिमालय। ये हिमालय के पीक्स है माउंट एवरेस्ट, कांचन डोंगजा, माउंट एवरेस्ट की हाइट याद रखना 8848 किलोमीटर, 8848। उसके बाद कांचन डोंगजा, ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पे है, सिक्किम स्टेट में आता है कांचन डोंगजा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत है, अन्नापूर्णा, नंदा देवी, कामेत। नंगा पर्वत अगर आप देखोगे नंगा पर्वत यहाँ पे आता है, नंगा पर्वत जो है ग्रेट हिमालय जहां से स्टार्ट होता है ना वहां पे नंगा पर्वत है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रेट हिमालय का स्टार्ट पॉइंट नंगा पर्वत है, ऐसे याद रखो। ये भी बहुत बड़ा पीक है, नंगा पर्वत इज वेस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द हिमालय, एंड दस इन ट्रेडिशनल व्यू ऑफ हिमालय एज बॉन्डेड बाय इंडस एंड यारलंग स्तांगपुर रिवर्स, इट इज द वेस्टर्न एंकर ऑफ एंटायर माउंटेन रेंज, मतलब वेस्टर्न साइड का एंड है बोरा एंटायर माउंटेन रेंज, नंगा पर्वत याद रखो। इसके बाद देखो फिर जैसा ग्रेटर हिमालय उसके बाद आता है आपका जिसको हम कहते हैं लेसर हिमालय, या फिर लेसर हिमालय कहते हैं या फिर हिमाचल कहते हैं। लेसर हिमालय में एक चीज याद रखना, पीर पंजाल और धौलाधर, ये दो रेंजेस फेमस है, पीर पंजाल, धौलाधर,
मतलब आपका ग्लेशियर हिमालय है जो अभी हम देख रहे थे ना यहाँ पर ये डायग्राम में, ये ग्रेटर हिम, ऊपर वाला ग्रेटर हिमालय हो गया, नीचे वाला लेसर हिमालय। तो यहाँ पर जम्मू में उसके भी उसके हिल्स हैं, जम्मू हिल्स कहते हैं उसको, और हिमाचल प्रदेश से भी जाता है तो वहां पर धौलाधर, ये धौलाधर एंड पीर पंजाल बोथ आर द पार्ट ऑफ लेसर हिमालय, ओके, जिसको हम हिमाचल कहते हैं। इसके बाद देखो द रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली कश्मीर, कांगड़ा, कुलू वैली, ये जितने भी वैलीज है ना दे आर लोकेटेड बिटवीन लेसर हिमालय एंड ग्रेट हिमालय, दोनों के बीच में है। और द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज नोन एज शिवालिक, आउटर मोस्ट जो रेंज है उसको शिवालिक कहते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर नोन एज डून्स, जो वैलीज शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में, देखो एक तो तीन टाइप के हम देख रहे हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, ये ग्रेटर हिमालय, ये लेसर हिमालय और यहाँ पे शिवालिक। ग्रेटर और लेसर हिमालय के बीच में वैलीज हैं कश्मीर वैली वगैरह ये, और जो लेसर हिमालय शिवालिक के बीच में जो वैलीज हैं उनको स्पेसिफिक नाम है डून कहते हैं, जैसा डेहराडून, कोटली डून, पटली डून, ये सारे डून हैं जो कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में। जो शिवालिक है, शिवालिक में मेनली हिल्स हैं, तो जो शिवालिक रेंज है एक तो जम्मू हिल्स आते हैं वहां पर, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट में भी हिल्स हैं बहुत सारे, दफला, मिरी, अबोर, मिशमी, ऐसे वो हिल्स के नाम है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का भी हम मैप देखेंगे तो उसमें ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, पत्ता हिल्स कहाँ पे, नागा हिल्स, मणिपुर और मिजो हिल्स, ये लोकेशन पता रहना चाहिए, ये भी हिमालय के पार्ट ही है। ओके, ऊपर देखो सबसे पहले दफला हिल्स है और मिशमी हिल्स है, ये हिमालय के पार्ट है। और फिर हिमालय माउंटेन रेंज ऐसा मतलब इस टाइप से यहाँ पे जाती है और ऐसा टर्न लेती है, ऐसे समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो दफला, मिशमी, पत्काई बूम, नागा हिल्स, बरेल रेंज और मिजो हिल्स, मिजो हिल्स मिजोरम में, नागा हिल्स नागालैंड में, पत्काई बूम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर में, दफला मिशमी इज इन अरुणाचल, ओके, ये चीज समझ लेना। अब यहाँ पर एक और चीज याद रखो, ये गारो खासी जैतिया हिल्स है ना, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये पेनिसुलर प्लेटू का ही पार्ट है, और ये सेपरेट हुए पेनिसुलर प्लेटू से मालदा फॉल्ट कहते हैं, जो बीच में का जो गैप है इसको मालदा फॉल्ट कहते हैं, ये भी याद रखना। गारो खासी जैतिया हिल्स हिमालय का पार्ट नहीं, दे आर द पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेटू सेपरेटेड बाय मेनलैंड प्लेटू बाय मालदा फॉल्ट, ओके। ये वाली अगेन वही डायग्राम है, दफला, मिशमी, पत्काई बूम, नागा, मिजो, पत्काई बूम का लोकेशन वगैरह याद रखना, मिकिर हिल्स, मिकिर हिल्स भी हिमालय हिमालय का ही पार्ट है, ओके। यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं, तराई, भाबर, खादर, वो देख लेते हैं पहले। देखो अब इसके बाद हिमालय तो हमने देख लिया, हिमालय के बाद आता है नदन प्लेन, हिमालय के बाद जो एडजेसेंट एकदम जो रीजन है ना उसको नदन प्लेन कहते हैं, मतलब ये वाला रीजन शिवालिक के आगे, शिवालिक के साउथ में ये जो रीजन है इसको हम नदन प्लेन कहते हैं। यहाँ पर प्लेन है पूरा, प्लेन मतलब एकदम फ्लैट लो लैंड रहेगा, और यहाँ पर एल्यूवियम डिपॉजिट से ये तैयार हुआ है, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये पूरा रीजन नदन प्लेन में आता है। तो नदन प्लेन का आप जब देखोगे तो यहाँ पर एक तो है रिवर्स बहुत है तो एल्यूवियम डिपॉजिट है, दूसरे यहाँ के रीजन को डिवाइड किया जाता है चार जोन्स में, भाबर, तराई, खादर और भांगर। रिवर्स ओरिजिन होते हैं हिमालय से, शिवालिक से फिर वो बाहर आएंगे, द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स, पेबल्स मतलब बड़े पत्थर होते हैं रिवर जो कैरी करते हैं, ये डिपॉजिट करते हैं पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 18 to 60 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक, शिवालिक के पायथे पे स्लोप पे ये लोग जो डिपॉजिट है वो जमा करेंगे, जो बड़े पत्थर है, इट इज नोन एज भाबर, तो इनको भाबर कहते हैं। ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट, क्योंकि भाबर में क्या होता है पत्थर वो डिपॉजिट करें जो माउंटेन से लाए थे, तो माउंटेन्स के ये पत्थरों के नीचे स्ट्रीम छुप जाता है,
तब रिवर बड़ी नहीं रहती, छोटे छोटे स्ट्रीम रहते हैं और ये डिसअपियर हो जाते हैं, इसको हम बहाबर कहते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी मार्शी रीजन नोन एज तराई। इसके बाद जो वेट मार्शी रीजन रहता है तराई, उसको कहते हैं तराई, जैसा इंडिया नेपाल बॉर्डर पे हम तराई बोलते हैं। ये यहाँ पे फॉरेस्ट भी है, वाइल्ड लाइफ भी है बहुत ज्यादा तराई रीजन में। अब इसके बाद देखो ये जो डायग्राम है उससे समझ में आएगा। हिमालय से रिवर्स निकले, जो पत्थर लाए थे वो यहाँ पे रख दिए और वहां पे क्या होता है, रिवर के स्ट्रीम डिसअपियर होते हैं, इसको कहते हैं भाबर। भाबर के बाद ये जो रॉक पार्टिकल जो उससे जो छोटे वाले वो डिपॉजिट होते हैं और यहाँ पर मार्शी लैंड रहता है और फॉरेस्ट भी रहते हैं, जिसको हम कहते हैं तराई कहते हैं। इसको जोन ऑफ रीअपीयरेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रीम्स भाबर में डिसअपियर हो गए थे वो तराई में फिर से री इमर्ज होते हैं। ओके, ये चीज समझ लेना। फिर उसके बाद जो एकदम फाइनर सेडिमेंट्स है, रिवर अपने कोस्ट पे डिपॉजिट करती है, अपने साइड पे बैंक पे डिपॉजिट करती है, इसको खादर कहते हैं। जो न्यूअर एल्यूवियम डिपॉजिट रहते हैं जो एकदम रिवर के बाजू में रहेंगे एडजेसेंट, और जो ओल्ड डिपॉजिट रहते हैं उनको भांगर कहते हैं। भांगर मतलब ओल्ड डिपॉजिट, जब न्यू डिपॉजिट आएंगे तो भांगर डिपॉजिट ऑटोमेटिक शिफ्ट होएंगे साइड में। तो जिसमें ज्यादा जो फर्टाइल रहता है ना खादर रहता है, क्योंकि खादर इज न्यूअर डिपॉजिट, न्यूअर एल्यूवियम डिपॉजिट, तो इसलिए मोर फर्टाइल। भांगर भी फर्टाइल है लेकिन इसके एज कम्पेयर टू खादर लेस फर्टाइल रहता है। ठीक है, बोथ खादर एंड भांगर आर एल्यूवियम डिपॉजिट। न्यू एल्यूवियम डिपॉजिट पूछता है बाय रिवर, उसको खादर कहते हैं, और ओल्ड एल्यूवियम डिपॉजिट को भांगर कहते हैं। वही डायग्राम। तो इस तरीके से हमने हिमालयन रेंजेस देखा, फिर नदन प्लेन देखा। अब ये दोनों के बाद आता है अपना डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इसी को पेनिनसुलर प्लेट्यू एक बहुत बड़ा रीजन है। ओके, ऐसा देखा जाए तो नदन प्लेन से ऊपर स्टार्ट होगा और फिर साउथ में भी एक्सटेंड होता है पूरा। ये पूरा हमारा क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ओके, अभी पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट्स याद रखना। मेनली जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको टू डिविजन्स है, एक है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड और पेनिनसुलर डेक्कन प्लेट्यू, ऐसे दो चीजें हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में। सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोर इन द ईस्ट, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड बाघेलखंड। डायग्राम से समझो, ये आप जब डायग्राम देखोगे, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, विंध्य के ऊपर वाला पार्ट, विंध्य सातपुड़ा इसको इंक्लूड करते हुए ये जो पार्ट है इसको हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, और विंध्य के जो नीचे वाला पार्ट है इसको प्लेट्यू। ओके, सेंट्रल हाईलैंड और पेनिनसुलर प्लेट्यू हम देख रहे हैं। यहाँ पर गौर से देखो, सेंट्रल हाईलैंड ऊपर का वाला पार्ट देख रहे हैं हम, इसमें क्या क्या चीज आती है, अरवली, एकदम वेस्ट में अरवली है। अरवली के बाद यहाँ पर जो रीजन है ना अरवली, इसको मारवाड़ प्लेट्यू कहते हैं। मारवाड़ ये जो रीजन है इसको मारवाड़ प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वाला जो है मालवा प्लेट्यू है। मालवा प्लेट्यू ये थोड़ा सा बॉर्डर पे है एमपी और राजस्थान के, ये साइड ठीक है, मालवा प्लेट्यू, ये तुम्हारा मालवा प्लेट्यू है। ओके, मालवा प्लेट्यू के बाद आएगा तुम्हारा बुंदेलखंड रीजन, ये झांसी वगैरह जो रीजन है ना ये बुंदेलखंड रीजन आता है, ये भी याद रखना। बुंदेलखंड रीजन के आगे आपका आएगा बाघेलखंड, ये यहाँ पे बाघेलखंड, बुंदेलखंड के आगे बाघेलखंड। ओके, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है इस वाले। मारवाड़ प्लेट्यू आता है उसके राजस्थान में, फिर राजस्थान में एमपी बॉर्डर पे मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू के बाद बुंदेलखंड के बाद बाघेलखंड, बुंदेलखंड बाघेलखंड, ये दोनों भी वाटर स्कार सिटी रहती है। फिर इसके बाद झारखंड बिहार बॉर्डर पे आ जाओ, वहां पर आपको मिलेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये जो रीजन है छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन है। और इसके बाद शिलोंग प्लेट्यू जिसको कहते हैं हम, शिलोंग प्लेट्यू, ये याद रखना है।
शिलोंग प्लेट्यू जो गारो खासी जैतिया हिल्स है ना, ये भी पार्ट है, अभी हमने देखा था पेनिसुलर प्लेट्यू का। और ये जो बीच वाला है इसको हम क्या कहते हैं, मालदा फॉल्ट कहते हैं, मालदा फॉल्ट, ये नाम भी याद रखना, मालदा फॉल्ट। शिलोंग प्लेट्यू इज सेपरेटेड डेक्कन प्लेट्यू बाय मालदा फॉल्ट। ओके, अब इसके बाद इसी तरीके से नीचे क्या है, विंध्यन रेंज आती है, विंध्या है, उसके नीचे सातपुड़ा है। ओके, और फिर उसके नीचे फिर हमारे डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू में भी पार्ट है, जो डेक्कन प्लेट्यू का महाराष्ट्र का पार्ट है उसको कहते हैं डेक्कन ट्रैप। ओके, डेक्कन प्लेट्यू का जो महाराष्ट्र का पार्ट है उसको डेक्कन ट्रैप। उसके नीचे जो है कर्नाटक का प्लेट्यू कहते हैं, कर्नाटका में जो है, तेलंगाना में जो है उसको तेलंगाना प्लेट्यू कहते हैं। ओके, फिर इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में इसको, इसके पार्ट को कहते हैं दंडकारण्य, दंडकारण्य प्लेट्यू या बस्तर प्लेट्यू। नाम, नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर इसी तरीके से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट इटसेल्फ आर आल्सो द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ये दोनों भी इसके पार्ट है, ये भी याद रखना, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट। ओके, इसको बार बार देखना है, बार बार पढ़ना है, तभी ये लोकेशंस ध्यान में रहेंगे। ओके, यहां पर एक चीज देखना, जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का, जो वेस्टर्न साइड से जो हमारी माउंटेन रेंज है, तो हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट अनैमुड़ी है, अनैमुड़ी हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट अनैमुड़ी, ये याद रखना। और डोडा बेटा, उसके बाद डोडा बेटा आएगा। और जो ईस्टर्न घाट है उसका हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी है, ये शायद आंध्रा में आता है महेंद्रगिरी। यहाँ पर डिस्प्यूट है, महेंद्रगिरी है क्या और एक दूसरा एक पीक है अरमाकोंडा जिसको कहते हैं, तो दोनों में से ऑप्शन में जो रहे वो कर देना, दोनों में से एक ही देगा वो। अरमाकोंडा दिया ईस्टर्न घाट में तो अरमाकोंडा, या फिर महेंद्रगिरी दिया तो महेंद्रगिरी को टिक कर देना, और ईस्टर्न घाट में तो अनैमुड़ी है। ओके, इसके बाद जो इंडिया की जो नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, इट इज डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरवली हिल्स, अरवली हिल्स के वेस्ट में, यहाँ पर आपके अरवली हिल्स है, इसके वेस्ट में हमारा क्या है, डेजर्ट है। ओके, पाकिस्तान बॉर्डर पे, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, ये सब बता रहे हैं यहाँ पे, तो जैसा जैसलमेर वगैरह फेमस सिटी है यहाँ पे। ओके, फिर कोस्टल प्लेन्स आते हैं, मतलब वेस्टर्न घाट के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में कोस्टल प्लेन्स है। ओके, मतलब वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में का जो रीजन रहेगा उसको वेस्टर्न कोस्ट कहेंगे। वेस्टर्न कोस्ट के पार्ट्स हैं, जो नदन पार्ट है वेस्टर्न कोस्ट का उसको कोकन कहते हैं, जो मुंबई गोवा के पास है, मुंबई गोवा रीजन में जो कोस्ट है उसको कोकन कहेंगे। जो कर्नाटका रीजन, कर्नाटका की बॉर्डर है कोस्टल बॉर्डर, उसको कन्नड़ा प्लेन कहते हैं। और जो केरला की बॉर्डर है उसको मलबार कहते हैं, मलबार, कन्नड़ा, कोकन, नाम याद रखना। इसके बाद इसी तरीके से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को भी डिवाइड किया गया है, तो उसमें जैसा ओडिशा आंध्रा है उसको कहते हैं नदन सरकार, आंध्रा के कोस्ट को नदन सरकार साउथ आंध्रा में, और जो तमिलनाडु है इसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ओके, यहाँ पर चिल्का लेक का मेंशन है, चिल्का लेक ये ओडिशा में है। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है, ये याद रखना। दो टाइप का पूछा जा सकता है, ओवरऑल लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक बोला तो चिल्का, और इनलैंड लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक बोला तो इसका आंसर क्या रहेगा, चिल्का कोस्टल है हमारा, सांबर, सांबर लेक। सांबर ये राजस्थान में है। इसके बाद देखो आइलैंड्स के बारे में, आइलैंड्स अपने पास मेनली दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार, तो इनके बारे में दिया गया है। जो लक्षद्वीप है ना ये बहुत छोटा है, स्मॉल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर, और कवरत्ती इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, वो कैपिटल है
फिर कुछ नाम भी दिया, पिटी आइलैंड भी है वहां पर ही है लक्षद्वीप के अंदर में, मिनिकॉय है वो भी फेमस है, और इसी तरीके से अंडमान निकोबार भी है। यहाँ पर एक चीज याद रखना, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहां पर इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम बैरन आइलैंड है, या भी रिसेंट में 2-3 साल पहले इरप्ट भी हुआ था, याद रखना 2017 में 18 में, ठीक है। इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज बैरन आइलैंड लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार। और इसी तरीके से जो लक्षद्वीप आइलैंड है ना, ये हमारे कोरल रीफ से बने हैं। कोरल रीफ आप जानते होंगे, इसमें क्या रहता है, कोरल पॉलिप रहता है जो कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स बनाता है, एक के ऊपर एक लेयर बनाएगा, और इसके साथ रहती है अलगी, ग्रीन अलगी रहती है, ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है। ग्रीन अलगी इस पर ही ग्रो होती है जिसकी वजह से इसको ग्रीन कवर मिलता है। और इसी तरीके से ग्रीन अलगी ये तो ये है, मतलब ये क्या करेगी, कोरल पॉलिप को फूड देती है और कोरल पॉलिप ग्रीन अलगी को मिनरल्स देता है, इसलिए इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। जो लक्षद्वीप है या फिर मालदीव कंट्री है, ये पूरे के पूरे कोरल से बने हैं। कुछ हम चैनल्स पहले देखते हैं, सॉरी पहले कोरल देख लेंगे। ये कोरल रीफ के टाइप देखो, कोरल रीफ अलग अलग टाइप में रहती है। एक तो आपका आइलैंड है, आइलैंड के कोस्टल रीजन पे बन रही है रीफ, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रिंजिंग रीफ कहेंगे, फ्रिंजिंग आइलैंड के बॉर्डर्स पे। उसके बाद दूसरा रहता है बैरियर रीफ। ओवर द पीरियड क्या होता है, ये जो रीफ है इसकी हाइट बढ़ जाती है, ऊपर ऊपर आता है, और मेन आइलैंड और बाजू के जो रीफ है दोनों के बीच में ओशन होगा, और रीफ एक्ट एज बैरियर टू रीच द आइलैंड, इसलिए इसको बैरियर रीफ कहते हैं। फिर ओवर द पीरियड क्या होता है, सेंट्रल आइलैंड का इरोजन होता है, वेदरिंग आवे होता है, उसकी हाइट तो कम होती है, लेकिन कोरल रीफ तो ये एक्टिव रहते हैं, इनके हाइट ऊपर ऊपर बढ़ती ही जाती है, तो इससे क्या होता है, कोरल ये सिर्फ कोरल रीफ रहती है और बीच का जो आइलैंड है वो सबमर्ज होता है, इसको कहते हैं अटोल कहते हैं। और जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप या मालदीव, ये दोनों भी अपने कहें अटोल्स हैं। लक्षद्वीप एंड मालदीव ये हमारे अटोल्स हैं, ये याद रखना, मतलब इस टाइप पे बीच में आइलैंड नहीं, साइड में कोरल रीफ पे उस बसे हुए हैं। और दूसरा देखो यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों आइलैंड का कंपैरिजन दिया है, मतलब ये इतने नजदीक नहीं है, बस मैप में डायग्राम में बताएं। कुछ हमको चैनल्स के नाम याद रखना है, वाटर की जो बॉडीज हैं, एग्जाम्पल अंडमान निकोबार, ये ऊपर वाला जो ग्रुप है इसको हम अंडमान कहते हैं, नीचे वाली ग्रुप को निकोबार कहते हैं। अंडमान और निकोबार के बीच में जो पैसेज है इसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल, इट पासेस थ्रू अंडमान एंड निकोबार, दोनों को जो सेपरेट करता है, 10 डिग्री है। इसी तरीके से और एक पैसेज है यहाँ पे, डंकन पैसेज, डंकन पैसेज सेपरेट करता है साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से, ये याद रखना, डंकन पैसेज बोला तो साउथ अंडमान लिटिल अंडमान, ओके। इसी तरीके से देखो यहाँ पे कोकोस चैनल है, वो सेपरेट करता है निकोबार को इंडोनेशिया से, कोकोस चैनल, फिर भी एक बार चेक करना इसका एग्जैक्ट नाम पे, कोकोस चैनल है। और ये इंदिरा पॉइंट इंडिया का एक्सट्रीम जो नॉर्थ साउथ पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, तो 10 डिग्री और डंकन पैसेज ये याद रखो। फिर जो लक्षद्वीप के कंटेक्स में दो चैनल याद रखना है, एक तो है ये पूरा आइलैंड ग्रुप लक्षद्वीप है और नीचे मालदीव्स है, और जो आइलैंड मालदीव्स को लक्षद्वीप से सेपरेट करता है इसको हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल, ओके। 8 डिग्री ये पूरी इक्वेटर से 8 डिग्री है, मतलब ये लैटिट्यूड है। और एक चैनल है 9 डिग्री, यहाँ पर एक मिनिकॉय ग्रुप ऑफ आइलैंड है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही पार्ट है लेकिन ये साइड में है थोड़ा सा, तो 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, और 8 डिग्री चैनल बोले तो लक्षद्वीप एंड मालदीव, ये चीजें आप लोग याद रखना, ओके। मोहसिन सर का सेशन कब है, कोई मैसेज आया है, कोई बताओ सेशन कब है मोहसिन सर का, 8:30 से सर। 8:30 से है क्या, ठीक है ठीक है, फिर हम थोड़ा सा ड्रेनेज का पार्ट देके एंड करते हैं, ओके। अभी जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है, यहाँ पर ड्रेनेज की बात की गई है। ड्रेनेज मतलब जो रिवर का फ्लो का पैटर्न रहता है, रिवर के ट्रिब्यूटरीज, फिर आगे चल के रिवर का फ्लो कैसे हो रहा है, उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये सारा जो नेटवर्क रहता है, नेटवर्क ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इंटू रिवर एंड आउट ऑफ रिवर, इसको कहेंगे हम ड्रेनेज कहते हैं। और दूसरा जो बेसिन रहता है,
रिवर बेसिन द एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड एज ड्रेनेज बेसिन. एक रीजन जहां से पूरे रिवर वाटर सप्लाई कर रही है उसको क्या कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन. अब ये देखो, ये रिवर के दो रिवर्स हैं, उसके बेसिन है. बीच वाला जो हिस्सा है जो सेपरेट करता है दो रिवर्स को, उसको कहते हैं वाटर डिवाइड कहते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वाटर डिवाइड. दोनों को डिवाइड कर रहा है, दो रिवर के बेसिन को डिवाइड कर रहा है, तो वाटर डिवाइड. द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज अमेजोन रिवर. वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन अमेजोन है. नीचे एक क्वेश्चन है, विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया. ये बताओ इसका आंसर, विच रिवर हैज लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया. गंगा. फर्स्ट गंगा है. एंड विच रिवर हैज लार्जेस्ट बेसिन इन साउथ इंडिया. गोदावरी. बराबर बराबर. इसका ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया का डिस्क्रिप्शन आया है. मेनली दो टाइप्स के रिवर है इंडिया में, हिमालयन रिवर और पेनिसुला रिवर. ओके, हिमालयन रिवर क्योंकि बहुत ही हाइट से ओरिजिन होते हैं और वहां पे ग्लेशियर्स भी हैं, इसलिए वहां पे वाटर क्वांटिटी ज्यादा रहती है. और ये क्या है, पेरिनियल रिवर्स हैं. हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, ऑल द ईयर वहां पर पानी रहेगा. विंटर समर में या फिर जैसा हम बोलेंगे मानसून सीजन में तो रेनफॉल आएगा और समर में ग्लेशियर मेल्ट होंगे, इसलिए दोनों सीजन में पानी रहता है. और पेनिसुलर रिवर का ऐसा नहीं है कि ग्लेशियर वगैरह नहीं है इनके पास, और मेनली इनका जो सोर्स है रेन वाटर है और दूसरा ग्राउंड वाटर जो स्ट्रीम्स आते हैं, इसलिए ये क्या सीजनल रिवर्स हैं. और हिमालय मतलब अपने पेरिनियल रिवर्स हैं. ये गॉर्ज दिया है, गॉर्ज मतलब रिवर्स माउंटेन से अगर ओरिजिन हो रही है ना तो ये क्या करती है, माउंटेन्स को कट करती है. तो माउंटेन को जो कट करती है तो तब एक बहुत डीप वैलीज तैयार होते हैं, उसको गॉर्ज कहते हैं. याद रखना वैलीज के टाइप हैं गॉर्ज और कैनल, दोनों में डिफरेंस भी है. गॉर्ज, अब इसमें ऐसा याद रखो, गॉर्ज गॉर्ज में जी लेटर को याद रखो. जी कैसा रहता है ऐसा, तो मतलब ये जो शेप रहता है ना जी शेप, ऐसा शेप याद रखो, मतलब एक ग्लास का शेप. इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म विड्थ रहती है, जो आपकी वैली रहेगी उसकी विड्थ यूनिफॉर्म रहती है, ऊपर जितनी है उतनी नीचे है. तो ये कब होता है, जब हार्ड रॉक रहता है रिवर बेसिन में, तो तब ये होता है. हार्ड रॉक जब रहेगा गॉर्जेस रहेंगे. ओके, हिमालयन गॉर्जेस, इंडस गॉर्ज वगैरह. और दूसरा था कैनन. कैनन में वाई याद रखो, वाई वाई से ऐसा शेप बनता है, वी शेप. तो इसमें क्या पता चलता है, ऊपर जो है टॉप पे वाइडर है और बॉटम पे क्या नैरो है, इसको कहते हैं कैनन कहते हैं. ऐसे वैलीज को कैनन कहेंगे. ये ऐसा क्यों होता है, ऊपर ज्यादा वाइडर है इसका मतलब ऊपर क्या है सॉफ्ट रॉक है और नीचे नैरो है, तो नीचे वाला पार्ट जो है हार्ड रॉक है. तो ऐसा जब रहता है हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, तो तब क्या बनते हैं, कैनन बनते हैं. दोनों आया समझ में डिफरेंस, गॉर्ज और कैनन में. Yes. आ रहा है समझ में? हाँ, तो शेप याद रखने इस पे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं. ओके, फिर इसी तरीके से जो ड्रेनेज पैटर्न है रिवर का, इसके टाइप्स रहते हैं. रिवर कैसा फ्लो हो रही है, रिवर का शेप कैसा है, ट्रिब्यूटरीज कैसे आ रहे हैं, मेनली चार टाइप रहते हैं, डेंड्रिटिक, ट्रेललाइज, रेक्टेंगुलर और रेडियल. डेंड्रिटिक में याद रखो कि ये ट्री शेप, ट्री ब्रांच शेप लाइक रहता है, रैंडम रहता है. जैसा नदन प्लेन के रिवर्स वगैरह है ना, गंगा वगैरह, इनका क्या है, डेंड्रेटिक है. गंगा गंगा यमुना इंडस, ये सारी डेंड्रेटिक है. ओके, फिर दूसरा था ट्रेललाइज. ट्रेललाइज यहाँ पर मतलब रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो राइट एंगल में आके मिलते हैं मेन रिवर को, राइट एंगल में आते हैं, तो इसलिए इसको ट्रेललाइज कहते हैं. इसको ऐसे याद रखो, TR मतलब टर्न राइट, ऐसे याद रखो. तो मतलब यहाँ पे मतलब रिवर्स के जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो राइट एंगल में आके मिलते हैं. इसमें क्या होता है पता है, अल्टरनेट लेयर्स ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक्स रहते हैं. सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक, ये जो बीच वाला है ये रेजिस्टेंट हार्ड रॉक है, इसलिए इसको कट करना बहुत मुश्किल है. तो कहां से तो भी छोटा सा गैप मिलेगा और फिर वो दूसरे रिवर को मिल जाएंगे ट्रिब्यूटरी, तो इसलिए राइट एंगल पे होता है. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रेललाइज ड्रेनेज बोलते हैं. हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक अल्टरनेट रहते हैं. और यहाँ पर कैसा है, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज. यहाँ पर क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज भी आ रहे हैं राइट एंगल पे, रिवर भी फ्लो हो रही है राइट एंगल में, उसके जो टर्न्स हैं वो भी राइट एंगल में,
लेकिन इसका रीजन क्या है पता है? इसका रीजन जो रॉक्स एक दूसरे से जो अटैच हुए हैं बेसिन के, उसके जो गैप्स हैं उसकी वजह से। ये डायग्राम पे समझ में आएगा। रेक्टेंगुलर पैटर्न डेवलप्स ऑन हाईली जॉइंटेड बेडरॉक। ये जो बेडरॉक है ये जॉइंट हुआ है, ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में जॉइंट हुआ है बेडरॉक। तो इससे क्या होता है, रिवर्स भी क्या होते हैं, जॉइंट जो है वहां से फ्लो होते हैं जो रॉक के जॉइंट्स हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज कहते हैं, क्योंकि जो बेडरॉक है वो रेक्टेंगुलर पैटर्न में ज्वाइन हुआ है। और ट्रेल लाइन्स का जैसा हम देखा था, ट्रेल लाइन्स का वैसा नहीं रहता। ट्रेल लाइन्स में हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक अल्टरनेट रहते हैं और इसलिए ये बनता है। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है समझ लेना। और एक रेडियल, रेडियल आप डायग्राम देख के समझ जाओगे, एक बीच में माउंटेन रेंज या हिल रेंज और वहां से रिवर्स ओरिजिन हो गए डिफरेंट डायरेक्शन में, इसको हम कहते हैं रेडियल पैटर्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमरकंटक प्लेटी जो है ना, तो वहां से देखो नर्मदा निकलती है, वो जाती है अरबियन सी में, सोन रिवर निकलेंगी वो जाके मिलेंगी गंगा को। इसी तरीके से महाबलेश्वर भी है, महाबलेश्वर या फिर आपका अरवली, अरवली से भी बहुत सारे रिवर्स निकलते। ओके, तो ये पूरा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के नीचे की जो चारों डायग्राम है रेडियल के डायग्राम है। ओके, तो आ रहा है समझ में, ड्रेनेज पैटर्न आपके समझ में आ गए? ओके, तो ठीक है, फिर अभी हम यहाँ पे आज रुक जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से आगे पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं।